मेटल हो गया, मेटल प्लस इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसमें क्या आएगा, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज वन इलेक्ट्रॉन, अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड टू बी आईई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसे हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्वेश्चन फिर से सुनेंगे, क्वेश्चन ये आ जाएगा कि व्हाट इज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको मेटल लिखना है, एक एरो लगाना है, मेटल प्लस करना है और साथ में इलेक्ट्रॉन बता देना है। एग्जाम में तो समझ में आ गया कि आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी पता है। नाउ यू आर राइटिंग द लैंग्वेज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज द वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल इज कॉल्ड टू बी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ द सोडियम। मतलब यहाँ तो बात समझ में आ गई। किसी इलेक्ट्रॉन को कोई भी एलिमेंट क्या करेगा, गैसेस स्टेट में एक्सेप्ट कर देगा और क्या बन जाएगा बेटा, एक्स नेगेटिव बन जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन किया है। सो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू गेन द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी of I need bond, that is M plus plus X negative, there is M X. Okay, madam? No, ma'am. यदि किसी में से हम इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, ध्यान रखना। और ये वाली चीज़ पता है ना, पता है आपको कितनी बार काम आई, आप सोच नहीं सकते। और किसी ने यदि हमें इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया तो साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जो साइज लूज करने पे होता है दैट इज कॉल्ड टू बी द कैटायन, ऐड करने पे दैट इज अ एनायन, देन ऑलवेज एनायन इज स्मॉलर इन साइज इज कंपेयर टू द एनायन। ये आपको ध्यान रखना है कि कैटायन क्या होगा, हमेशा छोटा होगा साइज में किससे, एनायन। यहाँ तक क्लियर होगी? तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मॉलिक्यूल बना रही हूँ। तो मॉलिक्यूल के अंदर मैंने एक कैटायन बनाया। एनायन प्लस का साइन होता है? नहीं बेटा, एनायन माइनस। और एक मैंने क्या बनाया, कैटायन। ये कैटायन प्लस वाला बनाया मैंने और एनायन। यदि मान लीजिए इस तरीके से आपके सामने बना हुआ हो तो आपको समझ जाना है कि बिगर साइज ऑफ द एनायन, ठीक है बेटा। अब इसका न्यूक्लियस, इसको मैं कह देती हूँ ए, इसको मैं कह देती हूँ बी, तो इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, ठीक है। इसको मैं बोलती हूँ एक्स एंड इसको मैं क्या बोलती हूँ वाई, ठीक है। और मैं इसको ऊपर से डॉटेड लेती हूँ तो इसकी रेडियस क्या बोलूँगी मैं, आर ए, और इसकी मैं रेडियस क्या बोलूँगी, आर बी। तो मैं ये कह सकती हूँ क्या कि बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू द एक्स वाई। बॉन्ड लेंथ का मतलब दोनों के बीच की दूरी, एक्स वाई इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी, दैट इज द बॉन्ड, ठीक है। कैटायन, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द कैटायन एंड द एनायन इज कॉल्ड टू बी द बॉन्ड लेंथ, इट इज अ सम ऑफ द रेडियस ऑफ द ए एंड द बी। ओके, जल्दी कर रहे हैं हम और आप जल्दी भी समझेंगे। बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा आपका, आर ए प्लस आर बी। ओके बेटा, यस मैम। चलिए तीन चीज़ें याद करनी है आपको। देखिए हर मॉलिक्यूल की क्या होती है, ज्योमेट्री होती है, वो हमने इसी चैप्टर में आगे पढ़ी। तो एक क्वेश्चन आ जाता है बॉन्ड एंगल,
तो कुछ कंपाउंड्स है, कुछ मॉलिक्यूल्स है जिनका कि आपको बॉन्ड एंगल लर्न करना है. एक सी एच फोर का कर लेना, एक वाटर का कर लेना और एक अमोनिया का कर लेना. ठीक है, बॉन्ड एंगल कुछ लिख लीजिए. बॉन्ड एंगल ऑफ, हाँ ये बना लो, थोड़ा सा स्पीडली बनाओ. एक टॉपिक है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डाइपोल मोमेंट. हाँ, इसके ऊपर तीन या चार क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जो कि एनसीईआरटी में दे रखे हैं. ये जो डाइपोल मोमेंट है, आगे कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इससे. अभी मैं बताऊँगी आपको, पहले आप मतलब हो गया ठीक है. डाइपोल मोमेंट वैल्यू ऑफ डिवाई
गिव द रीजन. दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे डाइपोल मोमेंट ऑफ BeF2 इज जीरो. इज डाइपोल मोमेंट ऑफ BeF2 इज जीरो. नेक्स्ट देखेंगे डाइपोल मोमेंट ऑफ BF3 शो डाइपोल मोमेंट ऑफ BF3. तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे वाई. ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं तीसरा लिखवा रही हूँ. वाई डाइपोल मोमेंट ऑफ NS3 इज ग्रेटर देन NF3. आपने कि वाई द डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन NF3. लिख दिया आपने, ठीक है. लिख लीजिए एक बार तीनों क्वेश्चन पढ़िए. मैं ये होप करूँगी कि कल आप इसे इतना यहाँ तक पढ़ के आएंगे. इनफैक्ट यदि आपको समझ भी ना आए ना तो आप NCERT से अभी आपको सपोर्ट नहीं लेना, क्योंकि सपोर्ट में तो दो पेज में चैप्टर खत्म किया होगा, उससे फ़ायदा नहीं होगा कुछ. कि जब हम कुछ कर ही रहे हैं तो थोड़ा तो करेंगे ना, है ना. तो आपको करना क्या है, जो मैंने पढ़ाया है ना वो आपको मैंने एक आइडिया पूरा अच्छे से दे दिया. इसकी आप एक नॉर्मल रीडिंग कर लेना, चाहे आपको समझ आए चाहे ना समझ में आ गई, उससे आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें अपने आप सेट हो जाएंगी, ठीक है. और ये जो मैंने क्वेश्चन बताए ना आपको, ये आपको पक्का करने हैं. और मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि NCERT के पीछे की जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, यदि आपने पांचों चैप्टर के वो कर लिए, आपका पेपर बहुत बढ़िया हो जाएगा. पाँच आ रहे हैं, ठीक है. इसके बाद रिडॉक्स से ये कल होगा पूरा, आज नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है. वैसे देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा. हाँ, अब मैं आपको एक चीज़ समझा रही हूँ 5 मिनट में, उसे आप समझिए. थोड़ी मैं आपको करके बताऊँगी. आज 12 तारीख हुई ना, आप 18 तक आएंगे ना. yes. हाँ, तो कल मैं ये करा दूँगी और मैं 2-3 दिन आपको ओवरऑल रिवीजन भी दे दूँगी. हाँ, रिडॉक्स ज़्यादा बहुत ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है, सिर्फ एक मेरे को बैलेंसिंग सिखानी है. बस वो सिखा दूँगी एक क्लास में, रिडॉक्स आपका हो गया. बैलेंसिंग बहुत ईजी है, ज़्यादा वो ठीक हो गई. एक बार बस आप एक चीज़ देखें बेटा, कोई भी हम एलिमेंट बना, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन हमने बनाया, एक बार सामने बोर्ड पे देखिए, बस एक छोटी सी चीज़ बताऊंगी उसके बाद देखना. ऑक्सीजन क्या होगा, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं. अब आप इनको सामने देखिए, इसने ये बॉन्ड बनाया तो 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, किया कि नहीं? यस मैम. तो जिसने की शेयरिंग नहीं की वो कितने थे? 4 का मतलब हो गया 2 लॉन्ग पेयर, जो बॉन्ड में नहीं बना. पेयर का मतलब जोड़ा. yes, कितने जुड़े? दो. तो ऑक्सीजन के अंदर लॉन्ग पेयर कितना होगा? दो. बॉन्ड पेयर कितना? 1. ये बात समझ में आ गई? yes, इसी पे आ गई थी थोड़ी, ठीक है. जो बॉन्ड बना रहा है दैट इज अ बॉन्ड पेयर, जो बॉन्ड नहीं बना रहा है दैट इज अ लॉन्ग. तो हम कल इसके ऊपर BSPER थ्योरी करेंगे, फिर इसके बाद मैं MO करा दूँगी मैं आपको कल ही, और शेप्स करा दूँगी, ठीक है. कल तो हमारा प्रैक्टिकल पीरियड भी है ना.